गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? मैम वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? किसने कहा कि तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू है? मैम मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है। ओह बैठो, रिज्यूम दिखाओ। रिज्यूम तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन लेकिन क्या मैम? तुम्हारे चेहरे का क्या करें? क्या मतलब मैम? अगर आज तुम्हें यहाँ जॉब दे दी ना मैंने, तो तुम्हारा ये चेहरा हमें डेली देखना पड़ेगा, और तुम्हारा ये चेहरा देख के मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मेरा ही नहीं, ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सबका दिन खराब जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा ये चेहरे का काला रंग बचपन से ही ऐसा है? मैम बचपन से ही ऐसा है, रंग बदलता थोड़ी है। देखो हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो सब स्मार्ट और सुंदर दिखते हैं, और अगर तुम हमारे ऑफिस में रहोगी या हमारे ऑफिस के लोगों के बीच में रहोगी, तो बड़ी नेगेटिव फीलिंग आएंगे हमारे ऑफिस में। पर मैम मेरे रंग से नेगेटिविटी का क्या कनेक्शन? मैंने बोला ना तुम्हें, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। अपना ये रिज्यूम पकड़ो और घर में बैठो, समझी? गेट आउट। बेटा मैं मार्केट जा रही थी, थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे बेटा तुम? मम्मा आप जानते होगे इसको, देखो कैसा काला चेहरा लेकर हमारे ऑफिस में आए जॉब मांगने के लिए। अरे इन जैसे लोगों को जॉब कौन देगा? तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? कौन है मम्मा? रहने दीजिए। नहीं बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, उसे सच्चाई पता तो होनी चाहिए। तुम्हें याद है तुम्हें अपना ये स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत थी, और हमने बैंक से लोन लिया, और वही लोन और कैश में लेकर बैंक से बाहर निकल रही थी, और सारा कैश मेरे बैग में था। कुछ लड़कों ने मेरे से वो बैग छीनने की कोशिश की, सब देखते रहे। तुम्हें पता है कोई भी आगे नहीं आया, पर ये लड़की, इसने अपनी जान पे खेल के उन लड़कों से वो बैग बचाया, और सारा कैश उसमें था। अगर वो बैग हमसे छीन जाता ना, तो तुम आज अपना ये स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तुम आज जिस कुर्सी पर बैठी हो ना, वहां नहीं बैठी होती। इस लड़की की वजह से हमारा ये काम बना, तुम्हें तो इसका थैंक्स बोलना चाहिए, और तुम उसके साथ ऐसी बात कर रही हो। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत मिसबिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो भी जाने अनजाने में, इतनी बड़ी गलती से कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम प्लीज आप हमारे ऑफिस में जॉब कर लीजिए, क्योंकि आपने हमारी बहुत हेल्प करी है। प्लीज मैम। सॉरी मैम, मैं ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये जॉब अपनी काबिलियत पे चाहिए, एहसान के तौर पर नहीं। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, और आपने क्या किया? मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया, मुझे मेरे रंग के लिए रिजेक्ट कर दिया। एटलीस्ट आप एक बार मेरा इंटरव्यू तो लेते, पर आपने तो मेरी काबिलियत को जाने बिना ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों मैम? और क्या दिक्कत है मेरी शक्ल में? उस दिन मैंने मैम को बिना जाने उनकी मदद की, उनके पैसे उन चोर से बचाए, शायद आप तभी यहाँ तक पहुँच पाए। ये सब छोड़िए मैम, आपने तो मुझे मेरे रंग के पीछे इतना इंसल्ट किया, आप बार बार मुझे काला 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 कह रहे हैं, इतना भेदभाव। खैर कोई बात नहीं मैम, हम लोगों ने ना ऐसे ही जीना सीख लिया है, और मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, और मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, और मुझे ना अपने इस रंग पे बहुत गर्व है। मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उसने आपकी बहुत इंसल्ट की, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और मैम आप एकदम ठीक कह रही हैं, मुझे आपको ये जॉब आपका टैलेंट देखकर देनी चाहिए थी, और हमारी कंपनी में आपके जैसे टैलेंटेड लोगों की ही ज़रूरत है। प्लीज़ मैम, अगर आप हमारे साथ हमारी इस कंपनी में काम करेंगी, तो हमारे लिए प्राउड फील होगा। प्लीज़ मैम आप जॉब कर लीजिए। श्योर मैम, मैं इस जॉब को ज्वाइन करूँगी, बस मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी के रंग को देख के भेदभाव मत करना। थैंक यू मैम।